नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री व मुख्य सचिव के नाम परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षक संवर्ग की अत्यंत न्यायोचित निमांकित लंबित मांगों का निराकरण किया जाए। इस दौरान शिक्षक संघ ने मांग की है कि लंबे समय से चली आ रही मांग सहायक शिक्षकों, शिक्षकों, प्रधान पाठकों को, व्याख्याताओं को, प्राचार्य व सहायक संचालकों को अब उनकी योग्यता अनुरूप प्राप्त वेतनमान के आधार पर अपडेट करते हुए शासन द्वारा घोषित उच्च पदभार नीति के आधार पर 1 माह के अंदर पदनाम दिया जाए। दूसरी मांग की गई कि अध्यापक संवर्ग, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक व उच्च माध्यमिक शिक्षक की न्यू पेंशन समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। तीसरी मांग, शासन ने जुलाई 2020 एवं 2021 की वेतन वृद्धि रोक रखी है, उसके आदेश शीघ्र जारी कर वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए एवं महंगाई भत्ता 5% जो राज्य शासन द्वारा पूर्व में स्थगित कर दिया गया था उसका भुगतान शीघ्र ही किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ब्लॉक शाखा परसवाड़ा द्वारा यह भी कहा गया कि यदि उक्त न्यायोचित मांगों का समाधान आगामी माह तक नहीं किया जाता है तो हमारे संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ अध्यक्ष डीएल पालेवार, एम आर नागपुरे, एनएल पारधी, डीके रामटेके, सीआर चौधरी, राजेंद्र बल्ले, कैलाश नंदनवार, सीके कोहरे, एलएस कंगाले, पंचम मेश्राम, इंद्रजीत हरिनखेड़े, नरेंद्र शरणागत, पीएस ठाकरे के नंदवार सहित मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के सदस्यों की मौजूदगी रही। बाइट तहसीलदार नितिन चौधरी, बाइट एनएल पारधी, मध्य प्रदेश कंप्लीट। जिन शिक्षकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उनके द्वारा 3 मांग की गई है कि उनको पदोन्नति दी जाए, उसके साथ ही रुकी वेतन वृद्धि दी जाए तथा जो नया संवर्ग, अध्यापक संवर्ग भर्ती हुआ है उनको पुरानी कक्षा बहाली की जाए।